हेलो दोस्तों, वेलकम टू पिनाका इंस्टीट्यूट। आज बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी, जैसे दो पॉइंट से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन पास होती है, स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप डिफाइंड होता है, दो पॉइंट्स गिवन हो तो उनसे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम ऐसे लिख सकते हैं, x1 y1 x2 y2, दो पॉइंट्स हैं तो ऐसे आप स्लोप लिख सकते हो। तो ये बेसिक बातें। हम जो बात करना चाह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। जैसे हमने सुना है एक लीनियर इक्वेशन होती है, 2D प्लेन में स्ट्रेट लाइन की लीनियर इक्वेशन होती है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर पॉइंट्स है -2 -1 0 1 1.2 2.3, और भी है -1 0, और भी है, यहाँ भी एक पॉइंट है -1/2 -1/2। देखिएगा, यहाँ भी एक पॉइंट है -1/2 + 1/2। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो यार, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का सेंस क्या है। जैसे हम लिखते हैं 2x + 3y = 7, एक स्ट्रेट लाइन है, x + y = 5, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये सेंस क्या है, व्हाट इज x, y, उनके बीच की रिलेशन। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का मतलब होता है उस स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ ऐसा कह दो, उस स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ ऐसा बोल दो जो उस पर बैठा हर पॉइंट माने, उस स्ट्रेट लाइन पर बैठे हर पॉइंट को वो बात मानना पड़े, ऐसी बात को ही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जैसे इस लाइन की इक्वेशन मैं लिखता हूँ अभी, तो इक्वेशन होगी y = x + 1। क्या इस स्ट्रेट लाइन पर बैठा हर पॉइंट ये बात मान रहा है, चेक कर लेते हैं। y = x + 1 मतलब ऑर्डिनेट जो होगा वो होगा abscissa + 1। 0, 1 अगर चेक करें तो इसका ऑर्डिनेट 1 है, abscissa 0 है, तो 0 + 1 वो भी 1 आ रहा है, इवन -1/2, ये भी मान रहा है। देखो, जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट में 1 ऐड करने पे आता है, तो ये वो यूनिक बात है y = x + 1 जो इस स्ट्रेट लाइन पर बैठा हर पॉइंट मानेगा, यही इसकी इक्वेशन होती है। ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस की इक्वेशन देखते हैं। x एक्सिस की खास बात क्या है, x एक्सिस पे बैठा हर पॉइंट, ये पॉइंट है 1, 0, ये पॉइंट है 2, 0, सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x एक्सिस की इक्वेशन है y = 0। 10th में मेरा एक दोस्त था, शीतल चौधरी, लड़का ही था, तो उसका नाम था शीतल और था लड़का, वैसा ही x एक्सिस के साथ है, उसका नाम है एक्स एक्सिस, लेकिन जो मैथमेटिकली उसकी इक्वेशन है या पूरा मैथमेटिक्स उसको जैसे जानता है वो है y = 0। वाई एक्सिस के साथ भी ऐसा ही है, उसका नाम वाई एक्सिस है लेकिन उसकी सही मायनों में जो इक्वेशन है वो है x = 0। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y = 0 है, ये आपको ध्यान रखना है और पता भी हो गया क्यों ऐसा। और लाइनें देखते हैं, जैसे ये लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, इस पर हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x = 3। इसकी यूनिक बात यही है। आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि सर, ऐसी दो यूनिक बातें हो सकती हैं क्या, तो ऐसा नहीं होता। स्ट्रेट लाइन के बारे में आप एक ही ऐसी यूनिक बात बोल सकते हो जो उस पर बैठा हर पॉइंट माने, वही उसकी इक्वेशन है। तो इस लाइन की इक्वेशन है x = 3। इस पॉइंट को देखते हैं यार, आपने बचपन में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सॉल्व की होगी, तब आपको बस पता होगा इक्वेशन से सॉल्व कर दो। स्ट्रेट लाइन में भी आप उसको समझ सकते हैं, जैसे ये वाली लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों लाइंस को अगर आप सॉल्व करें तो ये पॉइंट आता है 3, 4। तो 3, 4 की खास बात क्या है, वो इस लाइन पर भी बैठा है, वो इस लाइन पर भी बैठा हुआ है, वो इस लाइन पर भी बैठा है, तो वो तीनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर आप कोई दो लाइन सॉल्व कर रहे हो, मतलब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो लाइन कोई सॉल्व कर रहे हो, तो आपको वो पॉइंट मिलेगा जो दोनों लाइन पे बैठा है। हम आगे जाके पैराबोला पढ़ेंगे, y² = 4x, एक बेसिक सा पैराबोला समझें, तो y² = 4x, इसकी क्या खास बात है कि abscissa का 4 times करोगे तो ऑर्डिनेट का स्क्वायर आएगा, मतलब इस पैराबोला पर जितने भी पॉइंट बैठे होंगे, चाहे वो √2 something हो, रूट में हो, इरेशनल रेशनल, जितने भी पॉइंट होंगे वो ये खास बात जरूर मानेंगे, कौन सी, कि 4 times abscissa = ऑर्डिनेट स्क्वायर। तो इक्वेशन का ये सिग्निफिकेंस होता है। आप इक्वेशंस को ऐसे x और y में मत पढ़ो,
इक्वेशंस का बेसिक सेंस आना चाहिए कि अपसीसा और ऑर्डिनेट में एक रिश्ता ही इक्वेशन है 2D प्लेन में, चाहे वो सर्कल की हो। फिर आप सॉल्व करते हो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उस पैराबोला और उस स्ट्रेट लाइन पर दोनों पर जो पॉइंट्स बैठे हैं वो उसका सॉल्यूशन होगा। मतलब ऐसा एक पॉइंट होना चाहिए जो बोले मैं पैराबोला पर भी बैठा हूँ, मैं स्ट्रेट लाइन पर भी बैठा हूँ। बात समझ रहे हो? तो दो इक्वेशन सॉल्व करने का यह मतलब होता है। कई बार सॉल्व करने पे यूनिक पॉइंट आता है, जैसे आप दो स्ट्रेट लाइन सॉल्व करोगे तो एक ही पॉइंट आएगा, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। हो सकता है आप पैराबोला और स्ट्रेट लाइन सॉल्व करो तो दो पॉइंट आ जाए, क्योंकि एक लाइन पैराबोला को दो जगह भी काट सकती है। तो ऐसे में दो पॉइंट मिलेंगे जो बोलेंगे हम पैराबोला पे भी बैठे हैं, हम स्ट्रेट लाइन पर भी। तो आप इक्वेशंस का बेसिक सेंस समझिए। बेसिक सेंस है अपसीसा ऑर्डिनेट में वो रिश्ते लिख दो, वो बात लिख दो जो खास बात है, जो उस कर्व पर बैठा हर पॉइंट माने, यही इक्वेशन का सेंस होता है। अब लिखने के कई तरीके हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, वो भी पढ़ेंगे आगे। चलिए, बाय।